अभी हम गुलाबो जी के साथ एक आइटम सॉन्ग फिल्मा रहे हैं। फिल्म भंवरी देवी पर आधारित है, जो एक स्कैंडल हुआ है राजस्थान में, उसके ऊपर पूरी फिल्म, उससे इंस्पायर्ड है पूरी फिल्म। बिग बॉस के बाद वो भी एक जाली था, ये भी एक जाली है, पर मेरा डांस जो है, मैं हमेशा इस डांस की पूजा करती हूँ और इस डांस से मेरे को बहुत आगे मैं बढ़ी हूँ, मेरी समाज बढ़ी है और हर एक लड़की, हर एक औरत बढ़ी है इससे। तो मैं ये सोच के मेरा डांस जहाँ तक पहुँचता है मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ और मैं जहाँ पे भी करती हूँ मेरा खुद का अपना डांस ही करती हूँ। तो इस गानों को मैंने सुना था और मेरे लिए आए थे डायरेक्टर साहब के, बोला आपको ये गाना करना है, तो मैंने ये कहा कि मैं ये गाना नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने ट्रेडिशनल डांस करती हूँ और एक मैं ही बची हूँ भारत में जो एक कालबेलिया डांस और इस राजस्थानी संस्कृति को मैंने जिंदा रख रखा है अभी तक, तो मैं इस डांस को मैं इस ढंग से नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि बोला नहीं ये आपको करना होगा। मैंने कहा अगर आप कह रहे हैं मैं करना है तो मैं करूँगी, लेकिन मैं अपने खुद की ट्रेडिशनल ड्रेस में करूँगी और मेरी खुद की पूरी ज्वेलरी मेरी खुद की होगी और मेरे खुद की अपनी बच्चियां हैं वो साथ में डांस करेगी, तो हमारे खुद की ड्रेस में हम लोग डांस करेंगे। तो हमारे खुद की ड्रेस में हम लोग, हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में हम लोग ये डांस कर रहे हैं। एक्चुअली इनको स्टेप्स देने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली उनका जो अपना स्टाइल है, अगर मैं उसी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखूं तभी गुलाबो जी का इस गाने में होने का चार्म रहेगा। अगर उनकी जो यूएसपी है गुलाबो जी की, अगर मैं उसी को निकाल दूं तो कुछ मतलब नहीं है ना। इसलिए मैं उन्हीं का जो स्टेप्स है उसी को अपने हिसाब से थोड़ा सी, जैसे मेरे कैमरा वर्क है, अपने हिसाब से थोड़ा सी चेंज करके मैं उनको शूट करूँगी। बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज मेजरली हर डांसिंग स्टाइल, क्योंकि अगर वो उनकी यूएसपी है उसको चेंज कर दूँगी तो कोई मतलब नहीं है ना।